तो दोस्तों फाइनली हम अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं, बाबा के धाम तक पहुंच चुके हैं। हम फिलहाल केदारनाथ में, ठीक है, और यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम है और बहुत ही सुंदर है, मन को हरने वाला है दृश्य, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये पहाड़ियाँ हैं जो आकाश को छूती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। केदार बाबा के मंदिर में पहुँचने वाले हैं और यह आप देख सकते हैं मंदिर पहुँच चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप राउंड भी दे सकते हैं, आपको धूप ज़रूर यहाँ पे आपको धूप ज़रूर खिली लेनी चाहिए, लेकिन हवा जो है बहुत ठंडक है यहाँ पे, ठीक। आप देख रहे हैं यहाँ पे मौसम कभी भी बदल सकता है और सारी पहाड़ियाँ जो हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, ठीक है। ये अब मैं थोड़ा फ्रंट व्यू आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आगे पहुंचते हैं बाबा के धाम में और हम मंदिर से नज़दीक ही आते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो यार, दृश्य को मोलेगा, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, ठीक है। तो चलिए अब हम बाबा के धाम पहुंच गए, आप जैसा देख सकते हैं ग्वालियर टीका और माधोपुरा, और चलते हैं हम आगे और देखते हैं। आप पीछे मेरे पहाड़ियाँ देख सकते होंगे, पूरी पहाड़ियों से देखिए। ऑलरेडी दोस्तों तो रेवी वालों को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय भोलेनाथ।